नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज़। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में नहीं थम रही आग लगी की घटनाएं। एक पखवाड़े के भीतर शहर के अलग अलग हिस्सों में आग लगी से लाखों का नुकसान। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कोविड गाइडलाइन के पालन के उद्देश्य से पुलिस पदाधिकारी शहर में चला रहे हैं विशेष अभियान। 14 मई से पूरे राज्य में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की उम्र सीमा के लिए शुरू हो रहा है टीकाकरण का अभियान। ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया मॉक ड्रिल। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में आग लगी की घटनाएं नहीं थम रही है। एक तरफ जमशेदपुर कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में है, वहीं दूसरी तरफ शहर में हो रही आग लगी की घटनाओं ने जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी है। बीते एक पखवाड़े के भीतर शहर के अलग अलग हिस्सों में हुई आग लगी से लाखों का नुकसान हुआ है। ताजा मामला मानगो थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार तड़के शांति कुंज मार्केट के दो दुकानों में आग लगने से लाखों का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही एक बड़ा हादसा भी टल गया। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और दमकल कर्मियों की घंटों की मशक्कत के बाद आग को बाजार में फैलने से रोका गया। आग से बाजार की दो दुकानें पूरी तरह खाक हो गई। इसमें से एक ज्वेलरी की दुकान है और एक लेडीज कॉर्नर की। वैसे आग लगी की सूचना मिलते ही पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। शुक्र है कि आग बाजार में नहीं फैली, नहीं तो साक्षी की तरह बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दिया गया था कि मानगो बाजार में शांतिपुर में दुकान में आग लगी। ये लगभग 4 बजे हमको सूचना प्राप्त हुई। हमारे द्वारा तुरंत दमकल गाड़ी उठा रही गेट को खबर किया गया। दमकल तुरंत मौके पर आई। गाँव का ऊपर आकलन किया जा रहा है, अभी वो तो जानकारी नहीं है, जाँच चल रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत गाइडलाइन का पालन कराने के उद्देश्य से पुलिस पदाधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है विशेष अभियान। वहीं चलाए जा रहे अभियान के दौरान जूता दुकान व पार्लर को खुले रखने पर एसएसपी ने कार्रवाई के निर्देश संबंधित थाने को दिया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिले के एसएसपी के निर्देशानुसार लगातार शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस पदाधिकारी मॉक ड्रिल कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज एसएसपी के नेतृत्व में जुगसलई, बागबेड़ा और परसोडी थाना क्षेत्र का भ्रमण किया गया, जहाँ अनाउंसमेंट कर लोगों से घर पर रहने की अपील की गई। मॉक ड्रिल के दौरान जुगसलई थाना क्षेत्र अंतर्गत जूता दुकान और परसोडी थाना क्षेत्र में एक पार्लर खुला पाया गया, जिस पर एसएसपी के निर्देश पर संबंधित थाना प्रभारी ने दंडात्मक कार्रवाई की। वहीं इस मॉक ड्रिल के दौरान शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों का भी निरीक्षण पुलिस पदाधिकारियों ने किया। राह चलते राहगीर, बाजार में खड़े लोग, दुकानदारों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने, सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह सभी से किया गया। कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए और इसके बचाव हेतु सरकार द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जमशेदपुर पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए। जो दिशा निर्देश हैं उसको स्पेसिफिक रूप से आम जनता के लिए क्या है, दुकानदारों के लिए क्या है, उनको बताया जाए। और अगर कोई लोग इनका या दुकानदार अनुपालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में प्रतिदिन अलग अलग थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज ये बागबेड़ा, जुगसलाई और परसोडी के थाना क्षेत्र में किया गया, जहां पर हम भीड़ भाड़ वाले इलाके बाजारों में रुक करके अनाउंसमेंट करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। 14 मई को राज्य सरकार के निर्देश पर पूरे राज्य में 18 साल और 18 साल से 44 साल तक के आयु वर्ग के लिए टीकाकरण सुनिश्चित किया गया है, जिसे लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में मॉक ड्रिल किया गया। पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई कि जितने भी 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोग हैं उन्हें टीका दिया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन पिछले माह से ही शुरू कर दिया गया है।
14 मई से टीकाकरण की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण में किसी तरह का व्यवधान न हो, इसे लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने परसोडे स्थित संत रॉबर्ट स्कूल में मॉक ड्रिल किया। कल से 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन के सुविधा वैक्सीन का कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके लिए आज हमने सभी टीम मेंबर को बुलाया है, जिसमें वैक्सीनेटर हैं, ऑपरेटर हैं, टीचर हैं, सेविका सहिया, और उनको एक मॉक ड्रिल करा दिया ताकि कल किसी भी प्रकार का किसी भी लोगों को आने पर कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। उनको आने के बाद उनका आधार वेरिफिकेशन के साथ साथ उनके लिए अलग से मेल फीमेल के लिए वेटिंग हॉल हो, अलग से वैक्सीनेशन रूम में उनके लिए सारी सुविधाएं हैं। इसलिए आज मॉक ड्रिल किया गया ताकि कल कोई दिक्कत ना हो और सुविधा से सभी लोगों को वैक्सीन मिल जाए। जमशेदपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार इस खतरनाक हो चुके वायरस से लड़ने की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। वैसे इसके संक्रमण को कम करने और लोगों की जान बचाने में प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर साबित हो रही है। इसको लेकर जमशेदपुर में स्वयंसेवी संस्थान एवं रक्तदानी संस्थानों द्वारा लोगों को जागरूक करते हुए स्वस्थ हो चुके संक्रमित मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की जा रही है और लोग सामने भी आ रहे हैं। वैसे इसकी तादाद कम ही देखने को मिल रही है, फिर भी प्लाज्मा डोनेशन के लिए जमशेदपुर के लोग सामने आ रहे हैं। गुरुवार को जमशेदपुर यूटिलिटी सर्विसेस यानी जिस्को की ओर से ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना से जंग जीत चुके जिस्को के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं प्लाज्मा डोनेशन करने पहुंच रहे कर्मियों ने जमशेदपुर ब्लड बैंक की सुविधा पर संतुष्टि जताई और आम लोगों से जो स्वस्थ हो चुके हैं प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके। जिस्को श्रमिक यूनियन के उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान अमरनाथ तिवारी जी कोरोना से ग्रसित होने के बाद स्वास्थ्य लाभ करते हुए जमशेदपुर ब्लड बैंक पहुंचकर अपना पहला कोविड-19 के तहत प्लाज्मा रक्तदान कर दिया मानवता का परिचय। पूरा जमशेदपुर ब्लड बैंक, जिस्को परिवार, टाटा स्टील घराना, टीम संगर ऐसे जज्बे को सलाम करता है। देश के पश्चिमी घाट में इस सप्ताह के अंत तक साल 2021 का पहला साइक्लोन दस्तक दे सकता है। पश्चिमी भारत के मौसम विभाग ने पूर्वी तटवर्ती अरब सागर के ऊपर तैयार हो रहे संभावित साइक्लोन को लेकर भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरी तरह से साइक्लोन में परिवर्तित होने के बाद इस तूफान का नाम टुकेटे होगा। ये नाम म्यांमार ने लिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 14 मई की सुबह के आसपास से ही दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनना शुरू हो जाएगा। संभावना व्यक्त की जा रही है कि लो प्रेशर बेल्ट बनने के बाद ये दक्षिण पूर्वी अरब सागर से सटे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और लक्षद्वीप के करीब होने पर इसमें तेजी आ जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि इसके प्रभाव से लक्षद्वीप के तटीय इलाकों के अलावे गोवा, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में भी बारिश हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए नाराज नजर आए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर वैक्सीन की और कोविड केयर उपकरणों की उपलब्धता की कमी का ठिकरा फोड़ते नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से कुछ विषय पर निवेदन किया और उनसे ये भी प्रार्थना किया कि हमारे राज्य को के साथ जो है सौतेला व्यवहार नहीं किया। 1057 ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की बात हुई है देश भर में। अब आप बताइए 1057 में क्या झारखंड के हिस्से में एक प्लांट आएगा? हमने 28 प्लांट के लिए लिख के दिया और 28 की जगह हमको एक प्लांट दिया जाता है, तो क्या ये इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार नहीं है? 1500 वेंटिलेटर मांगा, हमको 500 वेंटिलेटर उपलब्ध कराया गया। आज के दिन में एबव 45 उनके पोर्टल में है, उनके पोर्टल में है कि एबव 45 को 913,000 डोज अभी वैक्सीनेशन करने बाकी हैं और हमको दिया जा रहा है कितना,
62,000। अब आप बताइए कि 162,000 में हम 913,000 लोगों को सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन करना है, फर्स्ट डोज नहीं, सेकेंड डोज का, तो हम कहां से करेंगे? प्रेस क्लब रांची की ओर से राजधानी रांची में कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। साथ ही प्रेस क्लब परिसर में 40 बेड वाले कोविड केयर अस्पताल की शुरुआत भी की गई है। कोविड के दौरान हर ओर अस्पताल तथा वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए राजधानी रांची स्थित प्रेस क्लब की ओर से पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए 7 दिनों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रेस क्लब परिसर में 40 बेड वाले अस्पताल भी खोले गए हैं। इस वैक्सीनेशन ड्राइव में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले पत्रकारों तथा कुछ खास व्यक्तियों को सुविधा का लाभ मिलेगा। हम लोग अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कि पत्रकारों के लिए एक विशेष ड्राइव कैंप लगा हुआ है, जो जिनको टीका मिल रहा है, सब पत्रकार भाइयों को। और ये अभी 7 दिन का कैंप है, 7 दिन तक ये कैंप जारी रहेगा। 18 साल से ऊपर जितने पत्रकार हैं उनके फैमिली के लिए भी और भी जो लोग हैं उनको हम लोग टीकाकरण करा रहे हैं। और कल हमारा 40 बेड का हॉस्पिटल जो पत्रकारों के लिए निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगेगा, जो वैसे कोविड पेशेंट होंगे उनके लिए कल 11 बजे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी उद्घाटन करेंगे। और 40 बेड का सुविधा हम लोग पत्रकारों के लिए करने जा रहे हैं। ईद कल मनाई जाएगी। वैश्विक महामारी के इस दौर में लोगों के सारे पर्व त्योहार सीमित हो गए हैं। सरकारी गाइडलाइन के तहत इस साल ईद पर सामूहिक नमाज की अनुमति नहीं दी गई है। उधर जमशेदपुर में सुरक्षा सप्ताह के दौरान जिला प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है। वहीं बाजारों में ईद की रौनक नहीं के बराबर नजर आई। वैसे पर्व को देखते हुए ईद मनाए जाने वाले लच्छों की बिक्री गुरुवार को शहर के बाजारों में हुई। वैसे तो आम दिनों में नामी गिरामी कंपनियों के लच्छों से ही ईद का बाजार गुलजार रहता है, लेकिन वैश्विक त्रासदी के इस दौर में शहर में निर्मित लच्छों से ही लोग काम चला रहे हैं। शहर में निर्मित लच्छे 100 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। वैसे खरीदारों ने भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। पटना का माल है, थोड़ा लोकल माल बना मांगो 100 रुपये 120 रुपये बाजार तो खास नहीं है, बस जो है थोड़ा बहुत अभी आज लगाए हम लोग तो खास नहीं है। जमशेदपुर कोरोना वायरस के दूसरे लहर की चपेट में आकर बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हर जरूरी एहतियात बरत रही है। बावजूद इसके जमशेदपुर में संक्रमितों और मौत के आंकड़े हर दिन बढ़ रहे हैं। उधर डॉक्टर भगवान की भूमिका में हैं, जिन्हें जमशेदपुर भाजपाइयों द्वारा गुरुवार को सम्मानित किया गया और कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में उनकी हौसला अफजाई की गई। इस क्रम में जमशेदपुर पश्चिम से भाजपा प्रत्याशी रहे देवेंद्र सिंह द्वारा IMA के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश खां को अंग वस्त्र देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। उन्होंने वैश्विक त्रासदी के इस काल में डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की। वहीं सम्मान पाने के बाद डॉक्टर उमेश खां ने भाजपा नेता देवेंद्र सिंह को अपना पुराना साथी बताते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने वैश्विक त्रासदी के इस दौर में लोगों से राजनीति से ऊपर उठकर पीड़ित मानवता की सेवा तन मन धन से करने की अपील की। तो इतना बड़ा महामारी चल रही है कोरोना की, BJP भी हर जगह लोगों को यही कह रही है कि डरिए मत, लेकिन सजग रहिए, हमसे जो मदद होगा हम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर हमारा जो है, जो बिल्कुल युद्ध लड़ रहा है, वो हमारा कोरोना का समझिए कि वो कर्नल ब्रिगेडियर और सिपाही है। तो हमें लगा कि उनको भी एक सम्मान और सुंदर विकल्प करना चाहिए कि हमारे डॉक्टर को भी कुछ सम्मान मिलना चाहिए, ताकि वो लगे कि नहीं हम लड़ रहे हैं तो सम्मान हमको मिल रहा है। उसी अभियान में आज अभी 3रा नंबर डॉक्टर उमेश खान जो है IMA के पेशेंट भी हैं, डॉक्टरों के गार्जियन भी हैं, उनको भी सम्मानित किया गया और मानगो जाएंगे और फिर सवारी जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस अभियान में चलिए कि डॉक्टरों को भी सम्मानित किया जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।